पुरानी हिंदी मूवीज नहीं देखी, उसमें क्या होता था, हीरो जो है हमेशा काउच पे सोता था, तो हम रिवाज कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट? अरे क्या मेरे जोक्स इतने बुरे हो गए, तू हंसेगी भी नहीं अब? कम ऑन, मैं जाता हूँ। थैंक यू। फाइनली अगस्त ने पूरी जद्दोजहद जो चल रही थी वो चल रही थी ऑब्वियसली, और इनका क्योंकि अगस्त ने हमेशा से पाकी से प्यार किया है और इतने साल जो इनसे जो नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, बट हाँ दादी ने बीच में आके एक प्रपोज़ल दिया कि यार इनके जो शो में बाप हैं उनके मरने के बाद एक जो जिसे कहते हैं कि सहारा बनेंगी, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में आके रहो बेटा, बट बहू बन के। सो ये अब बहू बन के आई हैं, बट एक जोन थोड़ा सा अभी वैसा है कि यार दोस्ती से वाइफ वाला, पत्नी वाला। अगस्त की फैमिली है कितनी छोटी सी, इट्स दादी जो पाखी से बहुत प्यार करती है, और अगस्त का प्यार तो सब जानते ही हैं। सो आई थिंक ये लोग तो मरे जा रहे थे कि पाखी इनके घर की बहू बन के आ जाए, और इनके सौभाग्य खुल गए और मैं इनकी बहू बन गई। दोस्ती से प्यार के बीच की जो वो अभी एक ऑकवर्डनेस है फिलहाल, तो वो फेज चल रहा है दोनों का, आई वुड से एक्चुअली पाखी का। सो देखते हैं अभी दोस्ती प्यार में कैसे कन्वर्ट होती है। अगस्त वो इज़ क्वाइट हैप्पी जब इनको पता लगा था कि पाखी से शादी हो रही है, बट जब इनका थोड़ा सा ऑकवर्ड जोन देख के इनको लगा अगस्त को, यार ये थोड़ा सा भी उस जोन में नहीं गई है कि इनको भी मुझसे प्यार हुआ नहीं है, बट आई थिंक ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा, और वही आई गेस ऑडियंस को भी पसंद आएगा जब वो एक टेंशन होती है फिर एक प्यार में डेवलप होता है कुछ, तो फिर एक वो रिलेशन जब देखते हैं लोग, तब आई थिंक दैट्स गोना बी द जर्नी फ्रॉम फ्रेंडशिप टू लव बेसिकली। शादी से पहले एक थोड़ा जो एक हाँ, सुहाग की निशानी तो हमेशा लेके घूमेगी पाखी, एंड पाखी का प्रॉमिस है अगस्त से कि वो अच्छी पत्नी बनने की जरूर कोशिश करेगी, तो यस डेफिनेटली। वेल प्लीज वॉच फना 10:30 कलर्स पे और 24 घंटे पहले वूट पर, प्लीज देखते रहिए और बताइए कैसा लगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।